When we say why do we fall ill, the word itself हमें strike होना शुरू हो जाता है. कोई external factors भी होते हैं, कुछ internal factors भी होते हैं. It just we'll discuss it. कोई भी हम disease देख लें, जैसे COVID देख लें या common cold देख लें, या कोई अगर किसी को blood pressure रहता है तो कुछ diseases होती हैं external factors के कारण cause होती हैं, कुछ हमें अंदर या हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं इसलिए. एनवायरनमेंट के फैक्टर, आपका पीयर ग्रुप का फैक्टर, आजकल जो ये चली हुई इंस्टाग्राम्स एंड ऑल की हमने डालना, अपना स्टेटस डालना है, फिर उसके टेंशन रहती है कि हाँ जी इतनी लाइक्स आई हैं कि नहीं आई, बहुत कुछ के फैक्टर्स काउंट आउट करते हैं. ठीक है कि हमारे सो कॉल्ड फ्रेंड्स क्या कहेंगे, सो कॉल्ड ये क्या कहेगा, दैट इज़ अ पीयर ग्रुप प्रेशर. हर चीज़ आपको इफेक्ट करती है. हम इल क्यों होते हैं जब हम हेल्दी नहीं होते? तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली हेल्थ है क्या. ठीक है, हेल्थ क्या, तो हेल्थ को हम बोलते हैं कि व्हेन वी आर फिजिकली सोशली एंड मेंटली फिट होते हैं. अ पर्सन इज हेल्दी व्हेन ही और शी इज फिजिकली सोशली एंड मेंटली फिट. Socially means your peer group, your students. अभी आपके आसपास आपको mostly कौन इफेक्ट करेंगे, आपके फ्रेंड्स. आपके फ्रेंड्स, उनका स्टेटस लेवल, उनकी सोचने का ढंग आपको इफेक्ट कर सकता है. दैट इज यू आर इफेक्टिवली सोशली. ये सोशल फैक्टर आपको मेंटली इफेक्ट करते हैं. एग्जाम्स में आपको अगर टेंशन होती है, दैट इज अ मेंटल फैक्टर. नहीं होती तो ये आपकी परसेप्शन है. मीन्स ये जो फैक्टर है मेनली, जो आपका सोशल या मेंटल फैक्टर है, वो आपका खुद का ब्रेन डिफाइन करता है कि आप दूसरों को कैसे लेते हो अपनी लाइफ में. आप दूसरों को इजीली इजी गोइंग लेते हो कि हमें ये चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई बच्चा जल्दी एक लाइन टीचर की बोल ले, कोई गुस्से में बोल दिया तो उसको दिल पे लगा लेता है, और कोई बच्चा जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता. आई एम, क्योंकि हमारा वो मेंटल लेवल ही उतना है. ठीक है, तो दैट इज अ मेंटल. और कईयों को फील होते हैं और ऊपर ऊपर से दिखाते हैं आई एम दिस आई एम दैट, पर अंदर से फील हो रहा है, अंदर से तो ऐसा हो रहा है कि बस क्यों बोला, अभी मैं दिखाऊं कुछ. ठीक है, और बाहर से देखो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा. वो सलमान खान है ऐसे, बाहर से गुस्सा नहीं करना पर अंदर से कैसे बदला लूं. So that is your mental factor. कई कहते हैं कि टीचर बड़े हैं, आज कुछ बोल दिया तो let it be. कईयों को लगता है कि हमें साथ वाले फ्रेंड्स क्या सोचेंगे मुझे बोल दिया तो, साथ वाले कुछ ठीक है. तो means हेल्दी हम कब हैं, जब हम सोशली भी फिट हैं, हमारी आसपास की एनवायरनमेंट फिट है, हमारी सोशल लाइफ फिट है, हम फिजिकली भी फिट हैं, हमारे हम हर चीज़ में फिट होंगे तभी हम हेल्दी होंगे. ठीक है, अब सेकंड हम देखते, हमें जब मैंने ये सारी स्टेटमेंट बोली, मैंने साथ में ही आपके फैक्टर्स भी ले लिए जो हेल्थ को इफेक्ट करते हैं. फाइनेंशियल कंडीशन भी हेल्प करती है, एनवायरनमेंट की क्लीननेस भी हेल्प करेगी, ऑब्वियस सी बात है ये. ठीक है, अगर आप जिनके पास मनी ज़्यादा होगी, हम स्लम्स एरिया में जाते हैं, हम देखते हैं दे डोंट हैव प्रॉपर फ्रूट टू ईट, दे डोंट हैव प्रॉपर वेजिटेबल्स टू ईट, तो उनमें इम्यून सिस्टम की कमी हो जाती है, क्योंकि वो मनी फैक्टर कॉज करते हैं. आपके आसपास की एनवायरनमेंट कैसी है वो अफेक्ट करेगी. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो एक हेल्थ को इफेक्ट करते हैं. फिर हम बात करते हैं कि दो चीज़ों की, एक होती है बेटी अ डिजीज और एक होती है डिजीज फ्री. ठीक है, देखो डिजीज फ्री होना पर हेल्दी ना होना, ये कैसे हो सकता है? डिजीज फ्री होना मगर हेल्दी ना होना, ये दो फैक्टर्स हैं. जैसे कि कोल्ड है, दैट इज यू आर गेटिंग अ डिजीज फ्रॉम द वायरस, मगर आज यू आर अ डांसर और आज आपका मन नहीं कर रहा, मींस आपकी मेंटल स्टेट सही नहीं है. हो आप डिजीज फ्री, आपको डिजीज नहीं है,
बट आपका मन नहीं कर रहा तो हम नहीं करेंगे, मतलब आपकी स्टेट हेल्दी नहीं है, यू आर नॉट हेल्दी बिकॉज यू आर अनफिट मेंटली, मगर आपको किसी पैथोजन ने आके अटैक नहीं किया। ठीक है, तो पहली बात हम करते हैं कि हेल्दी पर्सन क्या है। हेल्दी पर्सन वो है जो फिट हो सोशली मेंटली एंड फिजिकली। फिर हम बात करते हैं क्या कोई पर्सन जो हेल्दी है वो डिजीज फ्री हो सकता है। ठीक है, तो कभी कभी वो डिजीज फ्री नहीं हो सकता, हमें देखने में हेल्दी लगेगा पर उसको कुछ ना कुछ मेंटली वो अफेक्ट हो सकता है कि आज आज उसने कुछ कह दिया, आज मैंने ये काम नहीं करा, मैं गुस्सा आया हो, साइड हो जाऊं। ठीक है, फिर नहीं कि मैंने भी, तो दो टर्म आ जाती है आपसे पूछा जाता है ये। इवन जब पहले बोर्ड के एग्जाम होते तो डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। तो हेल्दी पर्सन तो वो है जो तीनों फैक्टर्स देखें, फिजिकली मेंटली सोशली। ठीक, जो डिजीज फ्री है उसको कोई पैथोजन ने अटैक नहीं किया, उसको कोल्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर उसका मन नहीं कर रहा, वो इंडिविजुअल के कारण है, वो उस इंडिविजुअल का फैक्टर है बस। बेटे हेल्दी में हमेशा ये कहा जाता है, हेल्दी पर्सन सब में हेल्दी है, हेल्दी पर्सन डिजीज फ्री हो भी हो सकता है, वो एक इंडिविजुअल फैक्टर है, वो एक कम्युनिटी फैक्टर नहीं है, वो इंडिविजुअलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसको कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, आपको हल्का सा हेडेक है, ठीक है, आपको डिजीज है, मतलब आप हेल्दी नहीं हो, पर डिजीज फ्री में आपको किसी पैथोजन ने अटैक नहीं किया, कोई जुकाम वगैरह नहीं हुआ, बस आपका मन नहीं कर आज, वो एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो अकेले आपके ऊपर कि आज मेरा मन नहीं है बस, वो इंडिविजुअली। और जो हेल्दी है वो इफेक्टेड होता है आसपास की एनवायरनमेंट से। कभी कभी दिन आते हैं जब हमें मन ही नहीं करता कुछ करने का, आज हमारा मूड नहीं है, बस वो है दिन, वो डिजीज फ्री कंडीशन है। ठीक है, देन हमने ये समझ लिया कि हेल्थ को क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। ठीक, फिर हमने डिफरेंस समझा कि एक डिजीज और एक हेल्दी और एक डिजीज फ्री में क्या डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं कि डिजीज के जो सिम्टम, हमें डिजीज नजर आ रही है, हम डॉक्टर के पास गए, हमने कहा बेटे सर हमें आई एम सफरिंग फ्रॉम हेडेक, तो कभी कभी सिम्टम गलत भी हो सकते हैं, है ना। हेडेक तो बहुत रीजंस के कारण हो सकता है, आई साइड वीक हो सकती है, मे बी आप सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, मे बी यू आर सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन, कुछ भी फीवर, कुछ भी हो सकता है। तो हर एक डिजीज का पहले सिम्टम होते हैं, सिम्टम बहुत सारी डिजीज के सेम भी हो जाते हैं। अब जैसे कोविड चल रहे हैं, जुकाम हो रहा है, ये नहीं सबको कोरोना हो गया, किसी को वैसे ही कोई कॉमन कोल्ड हो रहा होगा, सबके दिमाग में आजकल वही घुस जाता है कि हाँ इसका गला खराब है तो इसको तो यही है। ठीक है, तो ये होते हैं सिम्टम, ये पर्टिकुलरली साइंस होते हैं जो पर्टिकुलर डिजीज के लिए बने, कि फिर वो डॉक्टर उसकी पूरी बेस तक जाएगा एंड देन उसकी साइंस नोट करेगा कि दिस पर्टिकुलर डिजीज, लाइक इफ यू आर गोइंग फॉर द हेडेक, तो वो फिर आई साइड चेक करेगा तो उसको समझ आएगी कि ये जो हेडेक है ना वो आई साइड वीक के कारण हुआ है। कि एक एक जो हेडेक होना आई साइड वीक का बता, वो एक आई साइड वीक का साइन है। गेटिंग माई पॉइंट। फिर उसके बाद हम डिजीज को बेटे डिवाइड करते हैं दो में, एक्यूट एंड क्रोनिक अकॉर्डिंग टू द टाइम। तो अकॉर्डिंग टू द टाइम अगर हम डिवाइड करें, वन इज एक्यूट एंड वन इज क्रोनिक। ऑल यू हैव डन इन द क्लासेस, जस्ट वी आर रिवाइजिंग एंड इट इज ऑल गिवन इन योर नोट्स, प्रीवियसली यू हैव डन। ओके, एक्यूट, एक्यूट एंगल होता है ना छोटा, ठीक है, क्रॉनिक बहुत ज्यादा टाइम के लिए होती है, जैसे कॉमन कोल्ड। अब मैं एक डिजीज रखती हूँ आपके सामने, एक है निमोनिया, एक है कॉमन कोल्ड,
एक्यूट क्या हो गया, शॉर्ट एंगल नहीं हो गया, 90 डिग्री से कर, ठीक है। तो एक्यूट होती है जो थोड़े टाइम के लिए हो, जिसका टाइम पीरियड बहुत कम हो, और जो क्रोनिक होती है जिसका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। अब आपके सामने मैंने तभी दो एग्जांपल भी रखी, पहले एग्जांपल रखते हैं फिर हम समझेंगे, अपने आप दिमाग में जाता जाएगा। एक हमारे पास निमोनिया है और एक हमारे पास कॉमन कोल्ड है। निमोनिया में भी हमें थोड़ा फीवर होगा, लंग्स की प्रॉब्लम हुई, कॉमन कोल्ड में रेस्पिरेटरी ट्रैक की प्रॉब्लम होती है, पर कॉमन कोल्ड 1 वीक के लिए रहता है फिर चला जाता है। निमोनिया टाइम ले सकता है, दैट इज़ अ क्रोनिक वन। कॉमन कोल्ड के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, कोई कुछ बाद में हमें कुछ हो रहा हो, निमोनिया के हो सकते हैं, हमारी बॉडी वीक हो सकती है, बहुत ज़्यादा वीक हो सकती है, जो एक हफ्ते हुआ। जो एक्यूट है मींस जो कॉमन कोल्ड है, उसमें आप स्कूल भी आ जाते हो, आप बेड रिडन नहीं होते, आ जाते हो ना। अगर किसी पर्सन को निमोनिया हो जाएगा वो तो हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, वो तो बेड रिडन हो जाएगा, ठीक है। कॉमन कोल्ड हुआ बंदे ने, हमें पता है कि ठीक हो ही जाना है, रिकवरी हो जानी है उसकी। अगर हमें निमोनिया हुआ पर चांस है उसकी रिकवरी ना हो, तो रिकवरी के 100% चांसेस नहीं होंगे अगर आपकी डिजीज क्या होगी, क्रोनिक। तो लाइफ क्या बेटे, तो ज्यादा टाइम के लिए चलती है, लाइफ टाइम नहीं होती बेटे। लाइफ टाइम क्यों बोलेंगे हम, कोई दवाई भी तो खाएंगे। अब कैंसर है, कैंसर भी एक क्रोनिक है, जब तक चलती, जब तक आपकी मेडिसिन उसका इफेक्ट नहीं देती तब तक चलती रहती है। अगर उसमें वो ठीक हो जाता है बंदा ठीक है, मगर उसके साइड इफेक्ट कितने हैं, हेयर लॉस हो जाता है, एक बारी जो वेट लॉस हो जाता है, फिर उसके बाद बेड रिडन हो जाता है बंदा। रिकवरी पूरी 100% हो भी जाती है ना हो, हमें कुछ नहीं भी, हम ये नहीं कह सकते कि अगर ये डिजीज 10 बंदों को हुई है वो 10 बंदे ही ठीक हो जाएंगे। तो वी कांट से कि रिकवरी इज 100%, बट कॉमन कोल्ड वी नो दैट रिकवरी इज 100%। ये क्या है, एक हफ्ते की है, ठीक हो जाएगा जिसको भी है। लाइफ टाइम डिपेंडिंग बेटे कैसे साइड इफेक्ट है, शॉर्ट पीरियड के भी लिए हो सकते हैं। अगर वीकन हुई है, जैसे जिनको अभी कोविड हुआ है तो थोड़े टाइम के लिए वीक हुआ है, 1 साल के लिए, कईयों को उसकी इफेक्ट्स बाद तक आते रहते हैं, अभी तक हमारे ब्रेन में उसका इन्फ्लुएंस चल रहा है। पर है तो अब हमें, मुझे मान लो मुझे कोविड हो जाए तो मुझे वो इन्फ्लुएंस मेरी बॉडी में बहुत देर रहेगा, अगर कॉमन कोल्ड हो जाए तो वो नहीं रहेगा। गेटिंग माई पॉइंट? So you can differentiate between acute and chronic now yourself. Yes. So acute जो shorter period of time की हो जाएगी, chronic जो, और acute they have side effect, right? और हाँ, तो they got bedridden, और ये bedridden नहीं हो सकते, आप बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटे गो, नेक्स्ट बेटे वो वीकनेस थोड़े टाइम की होती है, आप मल्टीविटामिन लेके ठीक हो जाते हो। इस आप वीकनेस वाला नहीं, आप साइड इफेक्ट वाला पॉइंट लिख सकते हो, मतलब थोड़े टाइम के लिए होते हैं उसके। नाउ इज इन्फेक्शियस and non-infectious. अब मैं फिर से आपके लिए एग्जाम्पल रख रही हूँ बेटे दोनों डिजीज के लिए। अगेन एक डिजीज है कॉमन कोल्ड दैट इज इन्फेक्शियस, एक डिजीज है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर क्या एक से दूसरे तक जा सकता है? So that is a known infectious disease which can't be transferred from one person to another person. That is a known infectious. ठीक? And which can be transferred from one person, means one diseased person to a healthy person. That is a infectious. ठीक?
क्या इन्फेक्शन के लिए हमें कोई पैथोजन की जरूरत होती है? इसके लिए पैथोजन की जरूरत होती है? क्या इसके लिए वेक्टर्स चाहिए? नहीं थे। तो देखो दो, देखो एक पैथोजन की बात भी कर सकते हो, एक वेक्टर की भी बात कर सकते हो। पैथोजन जो डिजीज कॉज करता है, और जैसे कि मलेरिया की अगर मैं बात करूं तो मलेरिया का जो पैथोजन है वो प्लाज्मोडियम है, प्रोटोजोआ, और उसको लेके कौन जा रहा है? एनोफिलीज। तो वो क्या है? वेक्टर। वेक्टर वो जो पैथोजन को लेके जाता है। तो इन इस डिजीज के लिए वी नीड अ वेक्टर ऑल्सो, वी नीड अ पैथोजन ऑल्सो, एंड इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द हेल्दी, सॉरी इन्फेक्शियस टू हेल्दी। ये सब इसके नहीं होंगे। हाँ वही हो गया। नेक्स्ट बेटे, कुछ डिजीज होती हैं जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होती हैं और कुछ होती हैं जो इनडायरेक्ट। तो हमने थ्री टाइप ऑफ डिजीजेस कर रहे हैं। वन इज एक्यूट इन्फेक्शियस। वो एक्यूट किस में आई थी कि हमारी लाइफ स्पैन कितना, टाइम पीरियड कितना। फिर इन्फेक्शियस किस में आई है? तो आ जाओ बेटे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जैसे कि एड्स वगैरह, दीज आर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कोई वॉर्म्स, रिंग वॉर्म्स हो जाए, दैट इज अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जो इनडायरेक्ट हैं वो किसी ना किसी वेक्टर से, जिसे हमने इन्फेक्शियस कहा, जैसे कि ईयर हो जाए, सैंड हो जाए, कोई प्रोटोज हो जाए, कोई वायरस हो जाए, कोई फंजाई हो जाए, कॉलरा हो जाए। हाँ, कॉलरा इज फ्रॉम व्हाट? रेबीज इज फ्रॉम डॉग, कोई एनिमल से हो जाए। ठीक है, तो यू आर अवेयर ऑफ मैनी डिजीज विच आर नोन एज इनडायरेक्ट। सो वी हैव डन बेस्ड द डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रोनिक। देन वी आर डिजीज, क्रोनिक डिजीज। हाँ जी बोलो। हाँ, ईयर्स, ईयर इज अ वेक्टर जो डिजीज कैरी करने मीडियम है। पैथोजन होते हैं जो उस ईयर से ट्रेवल करते हैं, जैसे प्रोटोजोआ मैंने एग्जांपल दिया, मलेरिया तो वो वायरस से हो रहा है। कॉमन कोल्ड इज अकरिंग फ्रॉम वायरस। एनोफिलीज मलेरिया कॉज करते हैं बेटे। देन बेटे वन थिंग इज गिवन टू योर बुक इज पेप्टाइड अल्सर्स। सो दिस अल्सर्स, पहले ये क्रोनिक डिजीज मानी जाती थी। दिस अल्सर्स आर नोन एज क्रोनिक डिजीज अंटिल एंड अनलेस टू साइंटिस्ट आए नेम है इनके। द नेम्स आर रॉबिन वेरन एंड पर्थ। ठीक है, द रॉबिन वेरन एंड पर्थ, इन्होंने हमें आके बताया जो ये डिजीज है, दैट इज पेप्टिक अल्सर्स। पेप्टिक अल्सर्स क्यों होते थे बेटे? क्योंकि हमारे जो स्टमक में एसिड रिलीज होता है, HCl, जब उसकी ज्यादा क्वांटिटी, तभी तो बड़े वगैरह कहते हैं ज्यादातर खाली पेट ना रहो, है ना, आपको बोला जाता है, क्योंकि आपकी जो स्टमक में एसिड कॉन्टिन्यूसली रिलीज होता है। अच्छा, साथ में ये कहा जाता है कि जिनको ये अल्सर्स होते हैं, डोंट टेक मसालेदार फूड, है ना, कोई ऑयली फूड या मिर्च मसाले वाला फूड ना खाओ। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि बेटे जब ये फूड जिनमें ज़्यादातर जितने भी मिर्च मसाले वाले फूड हैं, उसमें फैट ज़्यादा होता है, तो उनको फैट को गिलाने के लिए एचसीएल रिलीज होता है ज़्यादा। जब एचसीएल हमारी बॉडी में ज़्यादा रिलीज होगा तो हमें अल्सर्स होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए जब भी पेप्टिक अल्सर्स होते हैं, हमें ये बोला जाता है कि ये जिनको ये चीज़ें, वो ये चीज़ें अवॉइड करो, बिल्कुल
सात्विक भोजन, सादा भोजन खाओ, ठंडी चीजें खाओ। तो ये डिजीज दैट इज पेप्टिक अल्सर वाज वन ऑफ द क्रोनिक डिजीज। जब तक दीज टू साइंटिस्ट दैट इज रॉबिन वैरन एंड पर्थ ने इसका कॉज नहीं पता किया था। द कॉज वाज हेलिकोबैक्टर पायरोली, द बैक्टीरिया। जो पता चला उसके अगेंस्ट फिर मेडिसिन बनी, देन वी आर सेफ नाउ। दिस इज नो नॉट अ क्रॉनिक डिजीज नाउ एंड इट कैन बी क्योर्ड ईजली। सो वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, द पेप्टिक अल्सर्स विच वंस वॉज द क्रॉनिक डिजीज एज इट्स कॉज वॉज नॉट नोन, as its cause was not known, but as Robin Warren and Perth came, you already went. So name the two scientists, that is Robin Warren and Perth, which has discovered the cause of the peptic ulcer, that is Helicobacter pylori. And thus the disease was not more chronic. It is now acute one. It can be cured. Sit down. Sit down. Next, bete, this is your homework, and I'll check. Open your notebooks. Write the homework. Write the homework. डिजीज के नेम लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट द नेम ऑफ द डिजीज, मलेरिया एंड दिस विल बी द ओरल टेस्ट, राइट, मलेरिया, निमोनिया, कालाजार, कालाजार, राइट डाउन फर्स्ट, कालाजार, स्लीपिंग सिकनेस, PNEUMONIA, पैथोजन वेक्टर बेटे, जो डिजीज लेके जा रहा है। कार एक वेक्टर है, कार में जो पर्सन बैठा है वो पैथोजन है, वो जो लेके जा रहा है दैट इज वेक्टर। जैसे एयर एक वेक्टर है, वाटर एक वेक्टर है, जो ये बैक्टीरिया फंगस प्रोटोजोआ फंजाई को लेके जाती है। हाँ, एनोफ्लीज मलेरिया क्यों लेके जा रही, एनोफ्लीज मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट लेके जा रही है, दैट इज प्लाज्मोडियम, जो एक प्रोटोजोआ है। जैसे हम बैक्टीरिया अलग अलग, एक ही बैक्टीरिया थोड़ी ना, बहुत सारे बैक्टीरिया है, फंजाई में एक ही फंगस थोड़ी ना, बहुत सारी फंगस है, तो प्रोटोजोआ में बहुत सारे प्रोटोजोआ है, उसमें से जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है वो मलेरिया कॉज करता है। अब वो जो प्रोटोजोआ मलेरिया कॉज करता है उसको लेके कौन जाता है, वो एनोफिलीज लेके जाती है, वो वेक्टर हो गया। मलेरिया डिजीज है, मलेरिया इज अ डिजीज, जो डिजीज कॉज कर रहा है वो आपका प्लाज्मोडियम है, और जो ये प्लाज्मोडियम को लेके जा रहा है वो मॉस्किटो है। स्लीपिंग सिकनेस, टेटनस, रेबीज, कोविड, एस्कैरियसिस, एस्कैरियसिस, ए एस एस कैरी, सी ए आर आई एस, ए एस आई एस, ठीक, एलिफेंटियसिस, एलिफेंट, एलिफेंट यसिस, आई ए एस आई एस। You have to tell me tomorrow the causative agent, write down the causative agent of this disease. The causative agent of disease, any vector and any vaccine, jitni bhi vaccine hai, like BCG jiski aayi hai uske to likh ke rakho, ट्यूबरक्लोसिस लिख लिया,
ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस जो है रिटर्न, ट्यूबरक्लोसिस भी लिखो। ट्यूबरक्लोसिस मलेरिया है, मलेरिया। तो इनके बेटे वेक्टर, कॉजेटिव एजेंट एंड इफ एनी वैक्सीन इज देयर, एंड आई एम टेलिंग यू द इम्पोर्टेंट वैक्सीन, राइट डाउन बीसीजी, राइट डाउन इम्पोर्टेंट नेम ऑफ द वैक्सीन बीसीजी। स्टैंड अप, गो। सो यू शुड नो अबाउट बीसीजी बेटे, डीपीटी। बीसीजी होती है निमोनिया के लिए, बीसीजी वैक्सीन इज गिवन फॉर द निमोनिया, डीपीटी इज फॉर डिप्थीरिया, परट्यूसिस एंड टेटनस। वो आपका होमवर्क है, सम होमवर्क शुड बी गिवन ना, बेसिलिस यू विल डू योरसेल्फ, सम होमवर्क शुड बी गिवन। तो डीपीटी, बीसीजी, एमआर, ये मेन आपको पता चाहिए, एमएमआर, ये आपको लगी हुई है स्कूल में, एमएमआर, इफ यू रिमेंबर। यस, मम्स, मीजल्स, रूबेला।